आरपीड न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं आनंदपुरी की ग्राम पंचायत काजलिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ है पूर्व सरपंच रमेश चंद जी कटारा, काफी लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं और कांग्रेस की स्थिति क्या है, भाजपा की स्थिति क्या है, यहाँ के चुनावी समीकरण किस प्रकार चल रहे हैं जानते हाल करते हैं बातचीत। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। रमेश जी बहुत पुराने सरपंच हो, लंबा चौड़ा अनुभव है, 3-4 बार सरपंच रह चुके हैं, अब की बार विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, बिल्कुल नजदीक है, 4-5 दिन बाद में चुनाव है, क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? साहब समीकरण ये है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लोगों को घर घर तक पहुंची है और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान में और हमारे सभी जगह आदिवासी क्षेत्र में हर घर हर सूले सूले तक अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और गहलोत सरकार कांग्रेस सरकार को देखते हुए लोग इस चुनाव में कांग्रेस को मतदान करेंगे। यहाँ अगर बात करते हैं महेंद्र जीत से मालवीय रेगुलर बने हुए हैं और अब तक कमल का फूल है वो खेल नहीं पाया है, क्या कहना चाहेंगे सामने कृष्णा कटारा है? महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब जमीन से जुड़े हुए हैं और हर लोग के साथ इनका व्यक्तिगत व्यवहार है और मालविया साहब का जितना विकास हुआ किया है बागीदरा विधानसभा में इतना शायद कभी भी ऐसा विकास नहीं हुआ है और मालविया साहब को विकास के नाम पे भी और इनके व्यक्तिगत व्यवहार से लोग जिताएंगे। आप तो सरपंच रहे भी हैं और वर्तमान में आपकी पुत्र वधु सरपंच है, बेटी बेटी सरपंच है, तो आपने सरकार की जो योजनाएं हैं विगत 5 वर्षों में देखी है, तो वास्तव में यहाँ किस प्रकार के काम हैं? सरकार की जितनी योजना है 5 साल में जितना कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अनाज फूड पैकेट योजना और लोगों को चिरंजीवी योजना में और सरकार ने अभी घोषणा पत्र में लिया है कि महिलाओं को सालाना जन आधार कार्ड जिसके बना हुआ है इसको 10,000 रुपया सालाना मिलेगा और पेंशन का है तो पेंशन 1,000 रुपये कर दी और अभी घोषणा पत्र में लिया है कि 2,000 रुपये पेंशन देंगे। सरकार बन गई कांग्रेस की तो 2,000 रुपये पेंशन देंगे, इसके आधार पे लोग गेहूँ फ्री में मिल रहा है, तेल मिर्ची मसाला और नमक, तो लोग क्या हमारे लोग जिसका नमक खाते हैं इसको कभी भूलते नहीं, जिसका नमक खाते हैं उसको भूलते नहीं और भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि जो ये चिरंजीवी योजना है खाली नाम मात्र की, आप तो नजदीक रहे हैं, वास्तव में चिरंजीवी योजना का फायदा हम लोगों को मिला है? बहुत लोगों को मिला है, कई सारे लोगों को, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मुंदरी में रामलाल जी पटेल का ऑपरेशन हुआ तो इनका 14 लाख का ऑपरेशन हुआ था, इसमें पूरा सरकार ने चिरंजीवी योजना में इनका ऑपरेशन हुआ और इनको फायदा मिला और अभी स्वस्थ हैं। इसके अलावा जैसे बात करते हैं महेंद्र जीत सिंह मालवीय जल संसाधन मंत्रालय इनके पास था, तो यहाँ वास्तव में कुछ काम हुआ या खाली एक दिखावा मात्र? यहाँ पे पूरे बागीदरा विधानसभा क्या बांसवाड़ा जिले में मालविया साहब का जितना नहरों का काम किया है इतना तो ये 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मालविया साहब ने, इतना काम किया है और गुजरात की जो रेती आती है नहीं वो रेती गुजरात में खत्म हो गई, इतना काम हुआ है यहाँ। और गुजरात के अंदर रेती क्योंकि नजदीक बिल्कुल ये आनंदपुरी क्षेत्र है, गुजरात का सटा हुआ क्षेत्र है, अगर अपने को विकास कार्य करवाते हैं तो रेती वहां से लाते हैं और रेती वहाँ गुजरात वाले भी यूं विचार कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ से रेती कहाँ जा रही है इतनी सारी, तो ये एक तरह के कमाल कर दिया मालविया साहब ने। मालविया साहब ने जितना काम किया है नहरों का इतना शायद कभी हुआ ही भी नहीं था। इसके अलावा जैसे कृष्णा कटारा जी अब की बार यहाँ भाजपा से प्रत्याशी है बागीदरा विधानसभा, तो कहाँ तक उम्मीद है कि कितने वोट ले जाएंगे? कृष्णा जी का हमारे यहाँ आनंदपुरी में तो कोई है ही नहीं, ठीक है
इन्हें गिने लोग होंगे, आनंदपुरी में कोई नहीं। और अगर यहाँ महेंद्र जीत सिंह मालवीय की बात करते हैं तो आपके हिसाब से कितना? मालवीय साहब हमारे बागीदरा विधानसभा से 70,000-75,000 की लीड से जीतेंगे। 70,000-75,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 1,70,000 तक पहुंचेंगे यूं कह रहा हूं मैं। अच्छा, 1,70,000 और 70,000 की तो लेडी मिलेगी इनको। टोटल मत है कम से कम 1,70,000 की बात कर रहे हैं और लीड है वो 70,000 की बात करें। अब चुनाव आ चुके हैं, नजदीक में है, अपने पंचायत के लोगों को क्या मैसेज करना चाहेंगे? हमारे पंचायत के लोग तो सब जान चुके हैं कि हमारे मालिया साहब को हाथ के बटन पे 25 तारीख को बटन दबाना है। ये सब लोगों को धार लिए और उनको विजय बनाना, विजय बनाना है। और यहाँ पे सब लोगों के मन में यही है कि मालिया साहब चौथी बार विधायक बन के जयपुर जाएं और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने। ये सब लोगों के मन की भावना है। लेकिन मालवीय जी से हम ये क्वेश्चन करते हैं, उप मुख्यमंत्री को लेकर आप जैसे सरपंच हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि यहाँ बने, लेकिन जब मालवीय जी से क्वेश्चन करते हैं कि नहीं नहीं हमें बहुत कुछ दिया कांग्रेस, बहुत कुछ दिया लेकिन जनता चाह रही है कि मालवीय साहब थोड़ी कह रहे हैं कि मेरे को उप मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन जनता का आवाज है कि आदिवासी बेल्ट में मालवीय साहब जैसा आदमी होना चाहिए और हमारे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग नया बना तो मालिया साहब की मेहरबानी। अगर मालिया साहब कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनते तो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी है इनको उदयपुर जाना पड़ता था और आज बांसवाड़ा सुबह जाते हैं और शाम को परीक्षा दे के वापस आते हैं, तो ये मालिया साहब की मेहरबानी से ही हुआ है। कैबिनेट में बैठे वो तब जाके हमारा बांसवाड़ा जिला को संभाग बढ़ाए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात काजलिया ग्राम पंचायत के जो पूर्व सरपंच है रमेश जी, रमेश चंद्र कटारा, जिनका कहना है कि 70,000 वोटों से बहुत ही कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा है कि टोटल वोट कम से कम 1,70,000 आएंगे और 70,000 वोटों से तो हमारी जो लीड है वो रहेगी। साथ ही कमेंट करके बताना कि बागीदौरा विधानसभा के अंदर अब की बार किसका पर्चा में वो लहराएगा। आप हमें कमेंट करके आप अपनी राय है वो जरूर दें। धन्यवाद सरपंच साहब, सभी बहुत बहुत धन्यवाद।